हेलो स्टूडेंट्स, ORM 2 में हम लोग पढ़ रहे हैं इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस। और इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में हम लोगों ने बहुत सारे फैक्टर्स पढ़ लिए, कई रिएक्टिविटी पढ़ ली, कई मैकेनिज्म पढ़ ली, काइनेटिक आइसोटोपिक इफेक्ट पढ़ लिया और बहुत से छोटे मोटे सारे फैक्टर्स पढ़ लिए। अभी ख़त्म नहीं हुआ है। इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस में ही लास्ट जो क्लास थी, लास्ट वीडियो लेक्चर था, उसमें चल रहा था रिएक्टिविटी का ऑर्डर, नहीं मोस्ट सुटेबल पोजीशन में पूछ रहा था कि किस पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा। याद आ गया मुझे, क्वेश्चन था गिव मोस्ट सुटेबल पोजीशन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक अटैक, यही था ना। इस क्वेश्चन में हम लोग 26 एग्जांपल्स कर चुके हैं और अब इसी का नेक्स्ट पार्ट करेंगे 27। ये कंपाउंड है, थोड़ा सा चेंज करता हूं, कंपाउंड है यहां ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ सी एच थ्री, ये सी एच थ्री भी नहीं, बेंजीन रिंग। इसमें से किस बेंजीन रिंग पर रिएक्शन होनी चाहिए? जिस रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा होगी वहां रिएक्शन होगी। ये लो, मैंने आंसर ही बता दिया। बताओ इसमें किस जगह रिएक्शन होगी, कौन सी बेंजीन रिंग पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है जिस कारण से रिएक्शन होनी चाहिए। कहां रिएक्शन हो गए? इसमें CH3 कर दिया, बताना कौन सी पोजीशन पर रिएक्शन होगी। एग्जाम्पल नंबर 31, ज्यादा एग्जाम्पल हो गए लेकिन घबराओ मत इन एग्जाम्पल से, अगर ये कर लोगे तो वो भी कर लोगे जो एग्जाम में आएगा। तो इसमें यहां भी नाइट्रोजन है, यहां CH है, इस जगह CH ले लेता हूँ, CH, फिर रिंग है ऐसी, यहाँ भी CH है, फिर ऐसे यूं है, ऐसे कुछ स्ट्रक्चर है, ये लो दो मिथाइल लगा दिए। इस कंपाउंड में कहाँ रिएक्शन होगी जरा सोचो, अरे बेंजीन रिंग भी है ना, इसमें कहाँ रिएक्शन होगी? ये है इस केस में, यहां है CH3, ठीक है, CH3 नहीं लेता, OCH3 लेता हूं, OCH3। किस रिंग पर अटैक होगा और कहां अटैक होगा और कौन सी जगह बढ़िया है वो आप देख के बताओ। एग्जाम्पल नंबर 33 में यहां दो बेंजीन रिंग है, इस रिंग पर बिठा दिया मैंने नाइट्रो ग्रुप, यहां आ गया नाइट्रो ग्रुप, तो कहां कहां कैसे कैसे रिएक्शन होगी, किस पोजीशन पे रिएक्शन होगी, जो मोस्ट सुटेबल पोजीशन है वो आपको बतानी है। बताओ जल्दी से करो, और लूंगा एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं मेरे पास, मन से बनाते रहो, स्टूडेंट्स को देते रहो, वीडियो पॉज करो, फटाफट सॉल्व करो, अब मैं करूंगा। देखिए, देखो इसमें इन दोनों रिंग्स में से इसने लोन पेयर डोनेट करके इस रिंग को खुश कर दिया और इसने इलेक्ट्रॉन विड्रॉ करके इस रिंग से इलेक्ट्रॉन खींच लिए और इसे दुखी कर दिया। जो ज्यादा खुश है वो ही बढ़िया है, इसी पर रिएक्शन होगी। ये लोन पेयर इस रिंग के लिए ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग है, इलेक्ट्रॉन फाइल आएगा पैरा पोजीशन पे और तो पे स्थिर हिंड्रेंस रहता है। इस रिंग में भी इस पर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इस पे कम है, क्योंकि लोन पेयर की कृपा यहां बरस रही है,
आप देखो तो सही, ये रही ऑर्थो पोजीशन, ये रही पैरा पोजीशन। पैरा पे हिस्टेरिक हिंड्रेंस कम होगा तो इसके रेस्पेक्ट में पैरा पोजीशन पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रोफाइल अच्छी तरह आएगा। यहाँ इस बेंजीन रिंग पर एक तो यहाँ एक CH3 है, एक यहाँ ऑक्सीजन है, एक यहाँ CH2 है। ये ऑक्सीजन कुछ ना कुछ तो इलेक्ट्रॉन डोनेट करने वाला है। जब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा प्लस एम इफेक्ट से, तो इसके रेस्पेक्ट में, इस ऑक्सीजन के रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये रही, पैरा ये रही, और तो ये रही। पैरा मुझे सबसे बढ़िया लग रही है, वहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस भी कम है। इसमें तो क्या सोचूं, मैंने यहीं लगाना है, तुमने सोच लिया होगा। अब इसमें सोच के बताओ मुझे, इस रिंग पर यहाँ भी नाइट्रोजन, यहाँ भी नाइट्रोजन, दोनों ही नाइट्रोजन रिंग को इलेक्ट्रॉन दे रहे हैं, लेकिन ये नाइट्रोजन पूरी तरह से समर्पित है रिंग को, पूरे मन से, लेकिन इसका जो मन है वो भटका हुआ है पीछे की ओर। कैसे? ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करता है लेकिन इसका मन तो कहीं और लगा हुआ है। ये कीटोन के साथ भी तो रेजोनेंस करता है, तो रिंग के साथ रेजोनेंस कम करेगा, मतलब रिंग को इलेक्ट्रॉन कम करेगा, डोनेट करेगा। ये वाला नाइट्रोजन खूब इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, तो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो एंड पैरा पोजिशन। इसकी ऑर्थो ये रही, पैरा ये रही, पैरा पे स्टेरिक हिंड्रेंस कम है। ठीक है, 32 में देखो, दोनों रिंग में से किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? ऑब्वियसली इस राइट वाले रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये लोन पेयर जो बैठा हुआ है, लोन पेयर भी तो प्लस एम इफेक्ट से इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ाएगा। अच्छा, फिर चलो इसके रेस्पेक्ट में ये पीएच है, ये पीएच है, पीएच सिंपल पीएच, पीएच का नहीं नहीं ओएमई का नहीं नहीं पीएच का, आप बताओ कौन ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा है? ऑब्वियसली ओएमए अटैक कर रहा है, क्योंकि लोन पेयर का इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग पावर पीएच से ज्यादा होता है, ये कई बार बात हो चुकी है। तो लोन पेयर इलेक्ट्रॉन डोनेट ज्यादा करता है पीएच के रेस्पेक्ट में, है ना, तो ये ज्यादा इलेक्ट्रॉन डोनेट करेगा, ये ज्यादा डोनेट करेगा, तो इसकी ऑर्थो इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो, इसके रेस्पेक्ट में ऑर्थो ये रही, ऑर्थो ये रही, पैरा ये रही। कौन सी बढ़िया लग रही है? मुझे लगता है ये सही है, ये वाली, यहाँ स्टेरिक हिंड्रेंस कम है, वहाँ पीएच से स्टेरिक रिपल्शन है, यहाँ दोनों से स्टेरिक रिपल्शन है, ये बढ़िया है। इस रिंग में किस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है? यहाँ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, यहाँ तो कम है, तो ये फिनाइल के रेस्पेक्ट में ये पोजीशन सबसे बढ़िया रहेगी। क्यों? क्योंकि जब इलेक्ट्रोफाइल यहाँ अटैक करेगा तो पॉजिटिव चार्ज यहाँ भी आएगा, यहाँ भी आएगा, और जब यहाँ आएगा तो पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ भी रेजोनेंस तो कर ही लेगा। यहाँ तो नाइट्रोजन विराजमान है जो कि यहाँ रिएक्टिविटी कम कर रहे हैं, ठीक है, इस कारण से रिएक्टिविटी वहां बढ़ रही है। चलो और एग्जाम्पल लेता हूं, लिखो फटाफट इसे। नेक्स्ट एग्जाम्पल है 34, इसे क्वेश्चन का पार्ट है। यह है नेफ्थलीन, ये नेफ्थलीन की मोस्ट स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर मैंने बनाई है। नेफ्थलीन की अल्फा पोजीशन पर रिएक्शन होती है, ये बीटा पोजीशंस कहलाती है ना, अल्फा डायरेक्टिंग होता है, विश्वास कर लो या अब सॉल्व करके देख लो। अगर अल्फा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल ने अटैक किया, इलेक्ट्रोफाइल ने अल्फा पोजीशन पे अटैक किया, ऑन अल्फा ये ऑन बीटा, तो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बना के देखनी पड़ेगी तुम्हें, मैं नहीं बनाऊंगा सारे, है ना, मैं बहुत बता चुका हूं तुम्हें, इतने एग्जाम्पल लेते लेते तुम थक गए होंगे, लेकिन कॉन्सेप्ट बताते बताते मैं नहीं थका। बीटा पोजीशन पे इलेक्ट्रोफाइल आ गया, यहां का बॉन्ड टूटा है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा, इलेक्ट्रोफाइल यहां आएगा तो पॉजिटिव चार्ज यहां आएगा इस जगह, ठीक है, ये लो। मेरा कहना यह है कि ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है इसके रेस्पेक्ट में। क्यों? क्योंकि इसमें रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा बनेंगे, तुम्हें बना के देखनी है। लो ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बना रहा हूं, ये लो, और यहां पॉजिटिव चार्ज आएगा, है ना, इसमें तो अब रेजोनेंस होगा। हालांकि देखो, अब सुनो मेरी बात ध्यान से सुनना, रेजोनेंस हो गया, पॉजिटिव यहाँ आ गया,
और पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा, और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, इसमें भी पॉजिटिव चार्ज इस रिंग के साथ रेजोनेंस करेगा और भी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे। उन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से इस कंपाउंड में, मतलब इस वाले इंटरमीडिएट में, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स ज्यादा मिलेगी जिनमें बेंजीन वाली रिंग सही सलामत है। यहाँ बेंजोनाइड है, यहाँ बेंजोनाइड है, हालांकि एक बेंजोनाइड और बनेगी जब पॉजिटिव चार्ज यहाँ है ना, तो ये डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑल्टरनेट शिफ्ट हो सकते हैं। कहने का मतलब ये है, इसमें नंबर ऑफ एस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स वो ज्यादा होंगी जिनमें बेंजोनाइड रिंग सही सलामत होगी, एक बेंजीन रिंग सही सलामत होगी। इसमें ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स कम बनेंगी जिसमें बेंजीन रिंग सही सलामत होगी। तो इस कारण से भी यहाँ की रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर ज्यादा स्टेबल है। तो मैं डायरेक्ट लिखूंगा, अब मैं बनाऊंगा नहीं, मैं तुम्हें हिंट दे चुका हूँ। हिंट क्या, सब कुछ दे चुका हूँ एग्जाम्पल। तो इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में और इसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में यहाँ ग्रेटर नंबर ऑफ बेंजोनाइड रिंग कंटेनिंग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, इसमें ज्यादा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं, इसमें लेसर नंबर ऑफ बेंजेनोइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स हैं। इसलिए ज्यादा स्टेबल कौन सा होगा, ये कम होगा। कहने का मतलब ये ज्यादा स्टेबल है, तो ज्यादा स्टेबल है तो अल्फा पोजीशन पे अटैक ज्यादा आसानी से होगा, अल्फा पोजीशन पे अटैक होगा, बीटा पे अटैक कम होगा। ठीक है, याद रखिएगा, इस तरह से अगर बेंजीन रिंग होती है तो अल्फा पोजीशन पर अटैक करवाना है, क्योंकि अल्फा पोजीशन पर अटैक करने से ज्यादा संख्या में बेंजोनाइड स्ट्रक्चर्स बनती है। क्लियर है, अब एग्जांपल लेता हूं इसके बाद में नेफ्थलीन का। अब नेफ्थॉल का एग्जांपल लेता हूं, है ना, ये लो एग्जांपल नंबर 35, ये नेफ्थॉल है, OH लगा दिया इस बार मैंने, OH। अब इसमें पूरा तो एक्सप्लेन करना नहीं मुझे, मुझे तो थोड़ा सा ही एक्सप्लेन करना। ये अल्फा नेफ्थॉल कहलाता है, अल्फा नेफ्थॉल, और एग्जांपल नंबर 36 ये है बीटा नेफ्थॉल। अल्फा और बीटा नेफ्थॉल में अल्फा नेफ्थॉल ज्यादा एसिडिक होता है, तो कुछ नहीं है, ऐसे बता दिया, बस ऐसे बता दिया इंफॉर्मेशन के लिए, अल्फा नेफ्थॉल ज्यादा एसिडिक होता है। पर मुझे तो बतानी है क्या सुटेबल पोजीशन बतानी है, आप सुन लेना। इन दोनों रिंग में से इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, क्योंकि ये लोन पेयर प्लस एम से बैठा है ना, ठीक है। इन पोजीशन पे जहां मैंने ये पॉइंट बना रखा है, इन पोजीशन पे OH नहीं था ना अभी कुछ देर पहले, जब OH नहीं था तो इन पोजीशन पे जो कि अल्फा टाइप की पोजीशन थी, उन पोजीशन पे अटैक करने से ज्यादा संख्या में बेंजोनाइड स्ट्रक्चर्स बनती थी, वो तो अभी भी चल रहा है। तो यहां भी ज्यादा संख्या में बनेंगे, यहां भी ज्यादा बनेंगे, यहां भी बनेंगे, ठीक है। इस रिंग पे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, इसका प्लस एम इफेक्ट भी है, तो प्लस एम इफेक्ट ऑर्थो पे काम करता है, पैरा पे काम करता है, तो ये वाली पोजीशन सबसे बढ़िया हो गई ना, क्यों, क्योंकि इस पोजीशन पर इसका प्लस एम इफेक्ट भी स्टेबिलिटी को इंक्रीज करेगा। दूसरा, इस पोजीशन पर अटैक करने से ज्यादा नंबर ऐसी बनेगी, ऐसी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का नंबर ज्यादा होगा जिनमें एक बेंजीन रिंग सही सलामत होगी, जो कि अभी कुछ देर पहले नेफ्थलीन में था। मेरी भावनाओं को समझो, मैं क्या कहना चाह रहा हूं, मेरी भावना ये कहती है कि मैं वो सारी स्ट्रक्चर नहीं बनाना चाहता, इसलिए मैं तुम्हें समझाने की कोशिश कर रहा हूं। इस जगह बताओ, दिमाग तुम्हारे पास में है ना, ये कुछ ऐसे ही पॉइंट बताता हूं मैं तुम्हें, सबका मिला जुला रूप होना चाहिए, सब कुछ सबका सबको खुश करो, सब सारे कंडीशन सेटिस्फाई करो। तो 36 में बीटा नेफ्थॉल में आपका आंसर क्या है, मेरा आंसर है ये, और बिल्कुल सही आंसर है, इस रिंग में इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ज्यादा है, चलो ठीक है, लोन पेयर है।
ये वाली अल्फा पोजीशन, ये अल्फा अल्फा तो नहीं है लेकिन है ना वो पोजीशन है जो नेफ्थलीन में भी थी, और इस पोजीशन पे अटैक करने से ज्यादा नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनती है जिनमें बेंजोनाइड स्ट्रक्चर्स ज्यादा हैं। ठीक है, यहाँ इसका प्लस एम इफेक्ट कहाँ कहाँ काम करेगा, इसका प्लस एम इफेक्ट यहाँ भी काम करता है, यहाँ भी करता है, बट यहाँ तो वो कंडीशन अप्लाई नहीं होगी, यहाँ वो कंडीशन अप्लाई होगी कि इसका प्लस एम भी काम कर जाएगा और ग्रेटर नंबर ऑफ बेंजोनाइड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स भी बन जाएगी, इसलिए बीटा नेफ्थॉल में यहाँ अटैक होता है। ये काफी इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स है, जब बेंजीन डायजोनियम सॉल्ट की रिएक्शंस पढ़ोगे तो ये एग्जांपल भी आएगा और यहाँ इलेक्ट्रोफाइल अटैक करेगा, है ना। चलो मिटा देते हैं इसको, एग्जाम्पल नंबर 37 कराता हूं। ये है पायरोल, पायरोल और इसी 37 में यहां ऑक्सीजन डाल दिया जाए और इसी में यहां सल्फर डाल दिया जाए, इन सभी में एक ही कॉन्सेप्ट है इसलिए मैं एक साथ ही बता रहा हूं। इनमें इनको जेड करके दे लेता हूं, ये जेड है, यहां जेड क्या है, NH है अगर पायरोल हो तो, ऑक्सीजन है अगर ये हो तो, फ्यूरेन, फ्यूरेन कहते हैं इसे, और ये थायोफीन, थायोफीन नेम लिखवाना भूल गया था, ये पायरोल है। हाँ तो ये सल्फर भी हो सकता है, रिएक्टिविटी का ऑर्डर आपको बताया था मैंने, मैं तो बात कर रहा हूँ अटैक कहाँ होगा, मैंने ये भी बताया था शायद इससे का अटैक होगा, है ना। अब वो क्यों होगा, वो क्यों होगा, अब आप चेक करना, देखें इलेक्ट्रोफाइल आया पॉजिटिव चार्ज, इस जगह इलेक्ट्रोफाइल जुड़ गया, यहां इलेक्ट्रोफाइल आया पॉजिटिव, यहां आया रेजोनेंस हुआ, ये रहा इलेक्ट्रोफाइल पॉजिटिव, यहां हुआ रेजोनेंस हुआ, ये रहा लोन पेयर जेड, यहां डबल बॉन्ड, इलेक्ट्रोफाइल यहां आया, ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया। चलो बहुत अच्छा हुआ, यहां कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट नहीं था इस जगह, अब ऑक्टेट भी कंप्लीट हो गया, उसने इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दिया। चलो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां आया होता इस जगह, इस जगह यहां तो यहां इस जगह, तो इलेक्ट्रोफाइल अगर यहां आया होता तो ये बॉन्ड टूटेगा, मतलब ये वाला बॉन्ड टूटेगा, इलेक्ट्रोफाइल इस जगह आके जुड़ गया, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, ऑक्टेट कंप्लीट हो गया, बस और तो कुछ नहीं होगा। अब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर तो ना बन जाएगी कि तुम सोचो कि इसको इलेक्ट्रॉन डोनेट कर दो आगे बन जाए, ऐसा तो नहीं हो जाए, समझ रहे हो क्या डिफरेंस है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, इसमें भी ऑक्टेट कंप्लीट हुआ है, चलो ठीक है वो मान लिया बराबर है, और इसमें 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, इसमें 2 ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनी है, कौन सी ज्यादा स्टेबल होगी, इसकी ज्यादा स्टेबल होगी, यहां लिख सकते हो आप, ये 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, RS कर दूं, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर, और यहां ओनली 2 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स, ये ज्यादा सही है ये गलत है, मतलब अटैक होगा इन पोजीशंस पे, मेजर पॉसिबिलिटी ये होती है। एक पायरिडीन का एग्जांपल और लेता हूं, इसे लिखो, मैं मिटा देता हूं इसे, तो एग्जांपल नंबर 38 आएगा, पायरिडीन यही है शायद नंबर, ये रहा पायरिडीन, पायरिडीन न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है, बट इलेक्ट्रोफिलिक तो इस पोजीशन पे देता है, इस पोजीशन पे, वो एक्सप्लेन तो करना ही पड़ेगा क्योंकि मेरा काम है ना एक्सप्लेन करना। हिंट मैं दूं क्या, हिंट यह है इलेक्ट्रोफाइल लगा के देखना इस जगह और इस जगह, जब यहां इलेक्ट्रोफाइल लगा के देखोगे और एरिनियम आयन तो बनाओगे, रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स तो बनाओगे, जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बनाओगे और तुम्हें आंसर मिल जाएगा कौन से रेजोनेटिंग से ज्यादा स्टेबल होगी, तो बस हो गया, तो मेरी तरफ से तो काम हो गया, फिर भी मैं बता देता हूँ ना, मेरा दिल मानता नहीं है, चलो मैं बता देता हूँ ना, ये लो यार, मतलब आप समझ जाते हो यार, मुझे बनाना नहीं चाहिए फिर भी मैं बनाऊंगा, ये लो नाइट्रोजन यहाँ अटैक किया इलेक्ट्रोफाइल ने, पॉजिटिव चार्ज यहाँ बना, मैं बहुत फास्ट बनाने वाला हूँ, आप कहते हो मेरी स्पीड स्लो है, ये लो मेरी स्पीड देखो, अब तुम ये रहा नाइट्रोजन, यहाँ H, यहाँ इलेक्ट्रोफाइल डबल बॉन्ड पॉजिटिव चार्ज, और ये रहा फिर रेजोनेंस हुआ,
तो ये पॉजिटिव चार्ज इस नाइट्रोजन पे आ गया और नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट। ठीक है, अगर इलेक्ट्रोफाइल यहां आया होता, बना तो दूं पहले इनके ढांचे बना देता हूं, इनका स्केलेटन बना के तैयार कर देता हूं, फिर दौड़ेंगे अपन तेजी से, आराम से बनाएंगे, आराम से इलेक्ट्रोफाइल यहां बनाएंगे। इलेक्ट्रोफाइल ने यहां अटैक किया तो डबल बॉन्ड ये टूटा, पॉजिटिव चार्ज यहां आया, फिर ये डबल बॉन्ड तो वैसा के वैसे है ही, फिर ये रेजोनेंस हुआ, यहां डबल बॉन्ड बना, यहां पॉजिटिव चार्ज आया, फिर रेजोनेंस हुआ, डबल बॉन्ड यहां बना, यहां डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रोफाइल एच यहां है ही और यहां पॉजिटिव चार्ज आया, 3 रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनी। लेकिन पॉजिटिव चार्ज एक बार भी नाइट्रो पर नहीं आया, नाइट्रोजन पे नहीं आया, पॉजिटिव चार्ज कार्बन पे ही रह गया, कार्बन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहां तो नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट कर दिया आपने। ठीक है, तुम समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं। इलेक्ट्रोफाइल इस बार एक पैरा पोजिशन पर भी लगा के देख लो यार, ये लो, ये लो, ये भी लो, और अब देखो इलेक्ट्रोफाइल इस पोजीशन पे आके जुड़ गया, डबल बॉन्ड टूट गया, पॉजिटिव चार्ज आ गया, डबल बॉन्ड यहां है, यहां है, इसके बाद में डबल बॉन्ड यहां शिफ्ट हुआ, नाइट्रोजन की शामत आ गई, नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट हो गया, समझ गए। अब जरा देखना इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में से ये हाईली अनस्टेबल है क्योंकि नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, इन रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर में से ये हाईली अनस्टेबल है, मतलब अनस्टेबल तो सारी हैं, ऑक्टेट तो इनकम्प्लीट सभी में है, लेकिन यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, यहाँ नाइट्रोजन का ऑक्टेट इनकम्प्लीट है, कंपेरेटिवली ये रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मोर स्टेबल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है। इस कारण से इलेक्ट्रोफाइल जब अटैक करता है तो यहां अटैक करेगा, मतलब इस पोजीशन पर अटैक करेगा, यहां इन पोजीशन पर अटैक नहीं करेगा। बट न्यूक्लियोफाइल भी इलेक्ट्रो इस पे नाइट्रोजन पे, इसके पर क्या नाम है इसका, पायरिडीन पर अटैक करता है, पायरिडीन पर न्यूक्लियोफाइल भी अटैक करता है, लेकिन उस केस में वो ऑर्थो पैरा पे अटैक करता है, वो हम लोग जब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पढ़ेंगे तो करेंगे। ओके, नेक्स्ट क्लास में पढ़ते हैं फिर। ओके, थैंक यू।